नमस्कार दोस्तों, एक नई सुबह नई उमंग के साथ मैं आपका दोस्त आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं करियर बिट की इस फैमिली में। दोस्तों, 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए रिजल्ट की घोषणा जब से की गई है और 27,000 लगभग सीटें रिक्त रह जाने के कारण सरकार इस पे मंथन कर रही है और अग्रिम 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती की लिखित परीक्षा में क्या जरूरी बदलाव किए जाएँ जिससे सीटें पूरी की पूरी भर जाएँ, इस को लेकर के सरकार पूरा समीक्षा कर रही है। दोस्तों, 68,500 जो पीछे भर्ती गई है इसमें चूंकि 27,000 सीटें रिक्त रह गई हैं तो अभी सरकार उस पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की पर विचार कर रही है जिससे कि कट ऑफ को कम किया जा सके माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के द्वारा। अगर कट ऑफ कम होता है तो निश्चित तौर पे 27,000 सीटें भर दी जाएंगी। अगर मान लिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता है माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार तो फिर 27,000 सीटें नेक्स्ट स्लॉट के 68,500 सीटों में जोड़ दी जाएंगी और लगभग 95,000 सीटें रिक्त हो जाएंगी अगले स्लॉट के लिए। तो उस इतनी भारी संख्या में सीटों को भरने के लिए सरकार पहले से ही सजग है और क्या अहम बदलाव वह कर सकती है इस परीक्षा के लिए, तो इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए बने रहिए करियर बिट के इस चैनल पे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप करियर बिट के इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी किसी नए अपडेट के लिए मैं वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और अगर आपने इसे पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यह बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि अगर आप नेक्स्ट स्लॉट में बैठने के लिए वेट कर रहे थे 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए तो अगले स्लॉट में सरकार कट ऑफ की बाध्यता को ख़त्म कर सकती है। क्योंकि दोस्तों, चूंकि इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अवेलेबल ही नहीं थे ताकि पूरी सीट को भर दी जाए। दोस्तों, इसी के संबंध में एक आर्टिकल निकले हुए पेपर में, चलिए मैं आपको उस आर्टिकल पे लेके चलता हूँ। देखिए दोस्तों, अगले शिक्षक भर्ती में कट ऑफ, फरवरी में प्रस्तावित परीक्षा भी जल्द कराने की तैयारी। सहायक शिक्षकों की भर्ती में कट ऑफ के फेर में करीब 27,000 सीटों के खाली रहने के खतरे ने बेसिक शिक्षा विभाग की चिंता बढ़ा दी है, इसलिए अगली भर्ती में कट ऑफ खत्म करने की तैयारी है। वहीं खाली सीटों को भरने के लिए TET व सहायक अध्यापक भर्ती दोनों की परीक्षा ही प्री शेड्यूल किया जा सकता है। बेसिक शिक्षा विभाग को 1,37,000 सहायक शिक्षकों के पदों पर भर्ती करनी है। पहले चरण में 68,500 पदों की भर्ती के लिए हुई परीक्षा का परिणाम सोमवार को जारी हुआ था। सामान्य व OBC के लिए 45% व SC ST के लिए 40% कट ऑफ होने के चलते करीब 27,000 सीटों पर कोई दावेदार ही नहीं मिला, इसलिए अगले चरण की भर्ती में कट ऑफ की व्यवस्था खत्म की जाएगी। पद के सापेक्ष अभ्यर्थी जिस अंक तक मिल जाएंगे उसी को कट ऑफ मान लिया जा सकेगा। वहीं खाली पदों की बढ़ती संख्या देखकर नवंबर में प्रस्तावित TET और दूसरी चरण के फरवरी में सहायक शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा प्री शेड्यूल कर इसी साल करवाई जा सकती है। तो दोस्तों, यह निश्चित ही बहुत अच्छी खबर है क्योंकि इतने लंबे समय से इसका वेट किया जा रहा था तो अब इसको और पहले किया जा रहा है। मतलब जो भी इसका डेट डिसाइड था उससे पहले ही हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम करा दिया जाए। और कट ऑफ की बाध्यता ख़त्म होना बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि इससे सीटें भी रिक्त नहीं रहेंगी और निश्चित तौर पे कैंडिडेट्स को इससे लाभ होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह न्यूज़ पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक बने रहिए करियर बिट के इस फैमिली में। धन्यवाद।